भारत में नोट छापने की मशीन होने के बावजूद भी भारत में बहुत सारी गरीबी है। आज भी 27% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो क्यों नहीं सरकार अपने नोट छापने की मशीन से नोट छाप के इन गरीबों को गरीबी मिटा देती है? क्यों नहीं सरकार बहुत सारे नोट प्रिंट करके इंडिया को डेवलप कंट्री बना देती है? ऐसा क्यों है? मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा और आज के इस क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, आपके दिमाग में भी इस तरह की बातें आती होगी, अभी नहीं तो कुछ साल पहले तो जरूर आती होगी जब आप स्कूल वगैरह में होंगे। आप बच्चों, आज के इस क्लास में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सरकार क्यों नहीं मनी प्रिंट करके, नोट प्रिंट करके हमारी गरीबी मिटा देती है। तो चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बच्चों, एक और इन्फॉर्मेशन, रात को 9 बजे इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर मैं बिल्कुल फ्री JRF इकोनॉमिक्स के लिए लाइव रिविजन करा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर JRF इकोनॉमिक्स के लिए लाइव रिविजन करा रहा हूँ। तो बच्चों, हर रोज रात को 9 बजे इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आना मत भूलना, मैं आपका वेट कर रहा हूँ वहाँ पे। चलते हैं बच्चों स्क्रीन पे। बच्चों, एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। मेरा पेड कोर्स है, इको पाठशाला का पेड कोर्स है, तो आप लोग पेड कोर्स को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप चाहें और इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें तो आपका JRF पहली बार में क्लियर हो सकता है। बच्चों, मेरे 3 पेड कोर्सेज हैं अभी तक, जिसमें मैं आप लोगों को, आप देख सकते हैं आप लोग, UGC नेट JRF इकोनॉमिक्स का कोर्स है, गेट इकोनॉमिक्स का कोर्स है, PGT इकोनॉमिक्स का कोर्स है, और इन तीनों कोर्सेज पे आज और कल, मतलब मैंने आप लोगों को 3 दिन के लिए ये डिस्काउंट ऑफर किया था, 50% का डिस्काउंट ऑफर है। बच्चों, तो आप लोग जल्दी से इस कोर्स को, यदि आपको इसी बार JRF क्वालिफाई करना है तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों, इस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा और आपका कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, और कूपन कोड में आपको मैं बताता हूं क्या कूपन कोड है। इसका कूपन कोड है हैरी, HARRY07, स्पेस नहीं है। ये कूपन कोड यदि आप लगाएंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बच्चों, चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आंसर देता हूं बच्चों कि सरकार क्यों नहीं ज्यादा करेंसी प्रिंट करके गरीबों को अमीर बना देती है, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, पहली बात तो करेंसी है, या आपकी जो क्वाइंस हैं, करेंसी या पेपर का जो टुकड़ा है, वो जो पेपर का जो टुकड़ा है, जो करेंसी है, वो आपके किसी भी डायरेक्ट, किसी भी नीड को डायरेक्टली पूरा नहीं कर पाता है। क्या आप पेपर खाएंगे? पेपर खाने से आपका पेट भरेगा? नहीं हो सकता है। क्या आप पेपर पे चढ़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? नहीं। क्या आप पेपर से बात कर सकते हैं एक जगह दूसरी जगह? आपको उसके लिए फोन चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ी चाहिए, और पेट भरने के लिए अनाज चाहिए, बर्गर चाहिए, चिकन चाहिए। रुपया कुछ नहीं करेगा, रुपया आपका पेट नहीं भरेगा। रुपये से आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, रुपये से आप एक आदमी से दूसरे आदमी से बात नहीं कर सकते हैं, अपने पड़ोसियों से भी बात नहीं कर सकते, अपने दोस्तों से जो अमेरिका में बैठे हैं उससे भी बात नहीं कर सकते रुपये से। हाँ, रुपया एक ट्रांजैक्शन का माध्यम है बच्चों। रुपया क्या है? एक ट्रांजैक्शन का माध्यम है, यानी रुपया को दे करके आप उससे कुछ खरीद सकते हैं। रुपया आपके डायरेक्टली आपके नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता बच्चों। रुपया आपके नीड को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर सकता, यानी आपके हंगर को नहीं मिटा सकता, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली नीड को नहीं मिटा सकता है बच्चों। हाँ, उसके लिए वो साधन जरूर बन सकता है। एक एग्जाम्पल देखिए आप लोग, यहां मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि RBI ने, मान लीजिए कि RBI ने
पूरी इकोनॉमी में आरबीआई ने पूरी इकोनॉमी में 1000 का नोट, मतलब 1000 रुपया पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है। वो 1000 करोड़ हो सकता है, 1000 लाख करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं। अभी हम 1000 के लिए मान ले रहे हैं बच्चों। आरबीआई ने इतना करेंसी इशू किया और यही पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है, यानी आपके हाथ से, मेरे हाथ से, उसके हाथ से, उसके हाथ से, दुकानदार के हाथ से, ऑफिस में आपकी सैलरी के टर्म्स में, ये पूरे इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है। अब एक और बात मानिए, मान लीजिए कि एक इकोनॉमी में सिर्फ ये पेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, ये जो पेन है और इसका जो प्रोडक्शन है वो 10 यूनिट्स है बच्चों, 10 यूनिट। मान लीजिए पूरी इकोनॉमी में 1000 रुपया सर्कुलेट हो रहा है और पूरी इकोनॉमी में ये 10 पेन प्रोड्यूस होता है, इसके अलावा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता है, मान लीजिए। अब इस पेन को इस 1000 से ट्रांजेक्ट करना है तो हर पेन कितने में ट्रांजेक्शन होगा? आई रिपीट अगेन, इस पेन को 1000 रुपये से ट्रांजेक्ट करना है और 10 पेन है तो एक पेन कितने से ट्रांजेक्शन होगा? एक, यानी एक पेन की प्राइस कितनी होगी? तो एक पेन की प्राइस हो सकता है बच्चों, यहां पे एक पेन की जो प्राइस होगा, दैट इज प्राइस ऑफ पेन इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? प्राइस ऑफ पेन इक्वल्स टू कितना होगा? 1000 डिवाइड बाय 10, तो कितना हो जाएगा? 100। यानी एक पेन की प्राइस यहां पे 100 हो जाएगी बच्चों, एक पेन की प्राइस 100 हो जाएगी। यानी इकोनॉमी में 1000 रुपया सर्कुलेट हो रहा है और इकोनॉमी में सिर्फ 10 पेन ही प्रोड्यूस्ड है, इन्हीं को बनाया गया है, इसके अलावा इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है, तो इस पेन की प्राइस जो होगी वो कितनी होगी? 100 रुपये होगी। अब मान लीजिए कि सरकार ने या आरबीआई ने इसको 1000 के जगह पे कितना कर दिया? 2000 कर दिया, है ना बच्चों? अब आप यहां पे देख सकते हैं, आरबीआई ने इसको 1000 के जगह पे इसको 2000 कर दिया, यानी 2000 का करेंसी मार्केट में सर्कुलेट होने लगा, करेंसी मार्केट में 2000 रुपया मार्केट में सर्कुलेट होने लगा। लेकिन प्रोडक्शन है पेन की, जो आउटपुट है बच्चों, पेन की जो आउटपुट है वो अभी भी 10 यूनिट्स ही है, अभी भी ये 10 यूनिट ही प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, अभी भी ये 10 यूनिट ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी? तो प्राइस ऑफ पेन अब आप देख सकते हैं बच्चों, प्राइस ऑफ पेन जो होगा वो कितना होगा? 2000 डिवाइड बाय 10, क्योंकि अभी भी पेन 10 ही है, तो इस पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी बच्चों? 200। अभी भी इस पेन की प्राइस हो जाएगी 200। यानी इकोनॉमी में यदि नया करेंसी प्रिंट हुआ और कुछ नहीं हुआ, प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ा, कुछ भी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी नहीं हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, तो सिर्फ एंड सिर्फ प्राइस बढ़ेगा, उससे लोगों की गरीबी नहीं मिटेगी। पहले भी मैं एक पेन से ही काम चलाता था, आज भी मैं एक पेन से ही काम चलाऊंगा। पहले मैं, मेरी लाइफ स्टाइल, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले एक पेन की बराबर थी और आज भी एक पेन की बराबर ही है। सिर्फ पेन की प्राइस बढ़ी है, और पेन की प्राइस कितना हो गया बच्चों? आप देख सकते हैं पेन की प्राइस कितना हो गया है, पेन की प्राइस देख सकते हैं 100 रुपये से 200 रुपया हो गया बच्चों, 100 रुपये से 200 रुपया पेन की प्राइस हो गया है, 100 रुपये से 200 रुपया पेन की प्राइस हो गया है।
हमारे नंबर ऑफ पेन्स में, मतलब पहले भी पूरी सोसाइटी, पूरा इकोनॉमी 10 पेन पे काम चलाता था, और आज भी पूरा पूरी सोसाइटी, पूरी इकोनॉमी 10 पेन से ही काम चला रही है। यानी नोट प्रिंट करने से गरीबी नहीं मिटेगी। मिटेगी कैसे? तो प्रोडक्शन बढ़ाने से। और प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब आपके यहाँ रिसोर्सेज होंगे, आपका मैन पावर स्ट्रांग होगा, आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, तब ही बढ़ेगा। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि करेंसी वहीं का वहीं रहा इनिशियल वाला। मान लेते हैं कि आरबीआई ने अभी भी रुपीज 1000 ही मार्केट में सर्कुलेट किया, ठीक है बच्चों। और लेकिन पेन का जो प्रोडक्शन है बच्चों, अब ये 20 यूनिट्स हो गया। अब पेन का प्रोडक्शन कितना हो गया? 20 यूनिट हो गया बच्चों, है ना। अब पेन का प्रोडक्शन 20 यूनिट होगा। अब पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी? ध्यान रखिए, अब पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी बच्चों? प्राइस ऑफ पेन कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 डिवाइड बाय 20, यानी अब आ गया आपके पास 50। अब पेन हो गया 50 रुपये का। करेंसी नहीं बढ़ा, नया करेंसी नहीं आया, फिर भी पहले मैं एक पेन से काम चलाता था, अब हमारे पास दो पेन है। उतने ही पैसे में हम दो पेन खरीदे, यानी हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई। या अदर वे राउंड आप देख सकते हैं, पहले सिर्फ 10 स्टूडेंट पेन का यूज करते थे, अब 20 स्टूडेंट पेन का यूज कर रहे हैं। यानी लोगों से गरीबी हटी है, लोग अब अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं। पहले वो चौक से लिखते थे, अब वो इस पेन से लिख रहे हैं। यानी सरकार करेंसी प्रिंट करके गरीबी नहीं मिटा सकती है, ये आप लोग ध्यान रखिए बच्चों। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे और वेट कीजिए, मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। और मेरा, आप तो जानते हैं, JRF इकोनॉमिक्स के लिए पेड कोर्स है। आपको यदि पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जानते हैं 13 जून से एग्ज़ाम शुरू है, तो आप लग जाइए। और इस बार JRF आप ही कह रहे बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।